नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो इस वक्त यूपी पुलिस SI की आने वाली भर्ती से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यूपी पुलिस SI के ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे तथा इसकी परीक्षा कब कराई जाएगी, कौन सी कंपनी का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। पूरी कंप्लीट और ताजा जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लगभग 16,500 के करीब पदों पर यहां पर भर्ती होना है, जिसमें से लगभग 9500 के करीब जो पद हैं वह हैं आपके यूपी पुलिस SI के। इसके बाद लगभग 5600 के करीब जो पद हैं वह हैं आपके यूपी जेल बॉर्डर फायरमैन तथा घुड़सवार के। इसके बाद लगभग यहाँ पर जो 1500 या फिर 1300 के करीब जो पद हैं वह आपके यूपी पुलिस संवर्ग के खाली पड़े हैं। और इनको लेकर जो 16,500 करीब टोटल पोस्ट बनती है, इसके लिए कंपनी का चयन किया जाना था। और अभी अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इसकी कंपनी का चयन कर लिया गया है। और एक बार फिर से आपकी TCS कंपनी का चयन किया गया है, यानी कि ये जो सभी एग्जाम होंगे वह आपकी TCS कंपनी कंडक्ट कराएगी। हालांकि ये 90% कंफर्म हुआ है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा पूरा कंफर्मेशन के साथ में, वो अपडेट हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन 90% चांस है कि आपके TCS कंपनी का ही एक बार फिर से सिलेक्शन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि आपका यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का जो एग्ज़ाम होगा वे दिसंबर में कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो भर्ती बोर्ड की तरफ से और TCS कंपनी की तरफ से तैयारी की जाएगी वह होगी यूपी पुलिस जो जेल वार्डर और फायरमैन का एग्ज़ाम है, इसे दिसंबर में आसानी से कंडक्ट करा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम कोई एक या दो दिन नहीं चलेगा, हो सकता है कि इसके लिए 3-4 दिन भी लग सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त रूल्स फॉलो करना होगा, तो इसलिए अभी तक तो एग्जाम एक या दो दिन में समाप्त हो जाते थे यूपी पुलिस के। लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका जो एग्जाम है वह 3 या 4 दिन भी चल सकता है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद ये तो बात हो गई यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के एग्जाम को लेकर, तो अब जरा बात करते हैं यूपी पुलिस SI की भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी दिया जा रहा है उसके अनुसार इसके ऑनलाइन आवेदन दिसंबर में शुरू होने की बात की जा रही है, कि दिसंबर में इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हो सकता है अभी कम से कम आपका 1 मंथ तो लग जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। नॉर्मल दोस्तों 1 महीना तो अभी लगना है, क्योंकि अब TCS कंपनी की तरफ से सारा फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, इसके बाद आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर दिसंबर में होने की बात की जा रही है कि दिसंबर में इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आपको बता दें कि ये ऑनलाइन आवेदन आपके नवंबर में भी स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि नवंबर के मिडिल तक आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वह शुरू कर दिए जाए। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन अभी नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको बता देते हैं इसके एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट दिया जा रहा है यहां पर। तो दोस्तों, जो जानकारी दिया जा रहा है उसके अनुसार जो यूपी पुलिस SI का एग्जाम होगा यह आपका फरवरी और मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। जी हां दोस्तों, यह आपको सबसे बड़ी खबर यहां पर मैं दे रहा हूं, क्योंकि यह एग्जाम का जो कंफर्मेशन है यह भर्ती बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है कि फरवरी में या फिर मार्च, फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका जो ये यूपी पुलिस SI का एग्जाम होगा वह कराना शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, देखना ही होगा कि आपका एग्जाम कितने दिनों के लिए कराया जाता है। हालांकि 1 या 2 दिन में एग्जाम इस बार नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर फॉर्म भरने के लिए। अगर यहां पर 20-25 लाख फॉर्म आ जाते हैं तो इस बार लगभग 50% ही यहां पर बच्चों का एग्जाम उस रेशियो से कराया जाएगा जैसा यहां पर यूपी पुलिस के पिछले भर्ती में कराया गया था। ठीक है, तो वहां पर तो 2 दिन में एग्जाम खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि 4 या 5 दिन भी आपके एग्जाम को खत्म करने में लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। इसके ऑनलाइन आवेदन मैं आपको बता चुका हूं कि नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएंगे, उम्मीद जैसी की जा रही है जल्दी भी स्टार्ट हो सकते हैं अगर भर्ती बोर्ड की तरफ से और TCS की तरफ से तैयारी कर ली जाती है तो। कोई कुछ भी इसके ऊपर कहना भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए एग्जाम को लेकर अच्छी अपडेट है कि यहां पर कंफर्मेशन हो गया है कि आपका एग्जाम फरवरी या फिर मार्च में कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसको लेकर कोई भी दो राय यहां पर नहीं है।
क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अगर यहाँ पर दिसंबर या फिर जनवरी में एग्जाम हो जाता है जेल बॉर्डर का, तो इसके तुरंत बाद तैयारी कर दी जाएगी आपकी इस यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम को कराने की। दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर किए हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, बगल वाले घंटे को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद है कि हमारी तरफ से आपको हमेशा सटीक जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।